हमारा टॉपिक है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स आर द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन सेल। 50% ऑफ सेल्स वेट कंप्राइजेज ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के कुछ फंक्शंस को ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स इन नेचर और सेल के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। इसी तरह हॉर्मोन्स आर प्रोटीन्स इन नेचर। सिमिलरली हीमोग्लोबिन इज प्रोटीन इन नेचर जो कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लिपिड मेटल आयंस को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने में हेल्प करता है। बॉडी के इन्फेक्शंस को फाइट करने के लिए जो एंटीबॉडीज हैं वो भी प्रोटीन इन नेचर हैं। सिमिलरली अगर कोई इंजरी हो जाए और ब्लड लॉस हो तो उस ब्लड लॉस को कंट्रोल करने के लिए भी प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स ऑर्गेनिजम्स और सेल डिविजन के दौरान जो क्रोमोसोम्स की मूवमेंट है उनको कंट्रोल करती हैं। प्रोटीन्स हैं क्या? प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, जिसका मतलब है कि अमाइनो एसिड्स आर द स्मॉलर सब यूनिट्स ऑफ प्रोटीन। इवन मोर देन 3000 अमाइनो एसिड्स मे बी प्रेजेंट इन अ सिंगल चेन ऑफ प्रोटीन। अमाइनो एसिड्स क्या है? सेल्स में अबाउट 170 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं, जिसमें से 25 अमाइनो एसिड्स प्रोटीन्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जबकि मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ ओनली 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब अमाइनो एसिड्स क्या है? इनका स्ट्रक्चर क्या है? अमाइनो एसिड्स, ऑल अमाइनो एसिड्स हैव एन अमाइनो ग्रुप एंड अ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम। आप यहाँ पर एक अमाइनो एसिड का फॉर्मूला देख सकते हैं। सेंटर में कार्बन है, उसके एक तरफ अमाइनो ग्रुप है, दूसरी तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप है, उसके टॉप पर अल्काइल ग्रुप है और बॉटम पे हाइड्रोजन है। जो अल्काइल ग्रुप है वो अमाइनो एसिड्स को एक दूसरे से मुख्तलिफ करता है। अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप आर ऑलवेज गोइंग टू बी देयर, लेकिन अल्काइल ग्रुप के डिफरेंट होने से अमाइनो एसिड्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, सेंट्रल कार्बन को हमने अल्फा कार्बन का नाम दिया है, इस साइड पे हमने अमाइनो ग्रुप को शो किया है NH2 से, इस साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप है, टॉप पे अल्काइल है और हाइड्रोजन भी है। यहाँ पर एक अमाइनो एसिड एलानिन की एग्जाम्पल को हम डिस्कस कर लेते हैं, उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सेंटर में अल्फा कार्बन है, इस तरफ अमाइनो ग्रुप है, इस तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप है, टॉप पे अल्काइल ग्रुप को हाइड्रोजन से रिप्रेजेंट किया है। हाइड्रोजन एलानिन के लिए स्पेसिफिक है। अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके CH3 पुट कर दें तो वो ग्लाइसिन बन जाएगा। किसी भी अमाइनो एसिड्स के दरमियान में जो बॉन्ड मौजूद होता है उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड का नाम देते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। दो अमाइनो एसिड्स हैं ग्लाइसिन एंड एलानिन, उनको कंबाइन कर देंगे तो हमें मिलेगा ग्लाइसिल एलानिन, और इनके दरमियान में जो बॉन्ड मौजूद होगा जो इनको एक दूसरे से कंबाइन कर रहा है उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड का नाम देंगे। साइड बाय साइड हमने दोनों के फॉर्मूलाज आपके सामने मेंशन किए हैं, ग्लाइसिन के और एलानिन के। आप देख सकते हैं सेंटर कार्बन है, उसके टॉप पे CH3 है जो कि ग्लाइसिन के लिए स्पेसिफिक है, सिमिलरली एलानिन के लिए हाइड्रोजन है। अगर हम चाहें तो हम इन दोनों के फॉर्मूलाज को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सेंट्रल कार्बन के साथ इस तरफ जो अमाइनो ग्रुप है उसमें हमने नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन शो किए हैं, और इस तरफ हमने कार्बोक्सिल ग्रुप को C(O) और OH की फॉर्म में लिख दिया है। सिमिलरली एलानिन के साथ भी हमने यही किया। तो आप देख सकते हैं जो ग्लाइसिन का कार्बोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो एलानिन के अमाइनो ग्रुप के हाइड्रोजन के बिल्कुल साथ मौजूद है। अगर ग्लाइसिन के कार्बोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बिल्कुल साथ मौजूद है, अगर ग्लाइसिन के कार्बोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोक्सिल ग्रुप एलानिन के अमाइनो ग्रुप के हाइड्रोजन ग्रुप के साथ बॉन्ड कर ले तो ये बनेगा H2O और ये वाटर के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। अब हमारे पास कार्बन एंड नाइट्रोजन रह जाएगा जो कि आपस में बॉन्ड बना लेंगे, और इस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड का नाम देंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्मूला में कि कार्बन एंड नाइट्रोजन ने आपस में बॉन्ड कर लिया है और पेप्टाइड बॉन्ड बना लिया। एज प्रीवियसली डिस्कस्ड द लिंकेज बिटवीन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड द हाइड्रोजन ऑफ अमाइनो ग्रुप ऑफ अनदर अमाइनो एसिड रिलीजेस वाटर एंड कार्बन एंड नाइट्रोजन लिंक टू फॉर्म अ पेप्टाइड बॉन्ड। ग्लाइसिन और एलानिन के कंबाइन करने से ग्लाइसिल एलानिन हमें मिला जो कि एक डाइपेप्टाइड है। सिमिलरली अगर हम इसके अंदर मजीद अमाइनो एसिड्स ऐड करते जाएं तो लॉन्ग चेन्स हमें मिलती जाएंगी। डाइपेप्टाइड, उसके अंदर एक और अमाइनो एसिड ऐड करेंगे तो ट्राइपेप्टाइड, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स के अंदर मेनली फोर काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स कैन बी डिस्कस्ड।
सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर की. प्राइमरी स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ अमाइनो एसिड एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इज इंपॉर्टेंट. आपके सामने यहाँ पर 6 अमाइनो एसिड्स हमने इस तरीके से लिख दिए हैं, A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6. इनका नंबर एंड इनका सीक्वेंस बहुत स्पेसिफिक है. अगर हम इनके नंबर को चेंज करें या इनके सीक्वेंस को चेंज करें तो अमाइनो एसिड की टाइप चेंज हो जाएगी. यहाँ पर आपके सामने प्रोटीन ए, बी एंड सी की एग्जांपल मौजूद है. प्रोटीन ए में 4 अमाइनो एसिड्स हैं, एलानिन, ग्लाइसिन, वैलिन एंड अनदर वैलिन. अगर हम लास्ट वैलिन को रिमूव कर दें तो प्रोटीन बी बन जाएगा, और अगर उस वैलिन की जगह हम एलानिन लगा दें तो प्रोटीन सी बन जाएगा. प्राइमरी स्ट्रक्चर की एग्जांपल को देखने के लिए हम इंसुलिन को डिस्कस करते हैं. इंसुलिन इज कंपोज्ड ऑफ 51 अमाइनो एसिड्स इन 2 चेन्स. वन चेन हैज 21 अमाइनो एसिड्स, वेयर एज द अदर चेन हैज 30 अमाइनो एसिड्स. और दोनों चेन्स के दरमियान में डाइसल्फाइड ब्रिजेस होते हैं जो कि दोनों चेन्स को आपस में कनेक्टेड रखते हैं. एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर के लिए, विच इज हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन इज कंपोज्ड ऑफ 4 चेन्स विद टोटल ऑफ 574 अमाइनो एसिड्स. इसमें 2 अल्फा चेन्स हैं और 2 बीटा चेन हैं. हर एक अल्फा चेन में 141 अमाइनो एसिड्स हैं और हर एक बीटा चेन में 146 अमाइनो एसिड्स हैं. यहाँ पर आप बीटा चेन की एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं. हीमोग्लोबिन की ये वाली पिक्चर आपकी बुक में दी गई है, जिसमें दिखाया गया है कि हीमोग्लोबिन एक ग्लोबुलर प्रोटीन की एग्जाम्पल है जिसके अंदर सेंट्रल एटम जो है वो आयरन है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, मेटल्स और लिपिड्स को विद इन द बॉडी ट्रांसपोर्ट करने की एबिलिटी है. आई एम श्योर आप सब फेमिलियर होंगे एक डिजीज से जिसका नाम है सिकल सेल हीमोग्लोबिन. इसमें जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है जिसमें वैलिन मौजूद होती है, उस वैलिन की जगह ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाता है, जिसकी वजह से जो RBCs हैं उनकी शेप खराब हो जाती है और सिकल शेप के हो जाते हैं RBCs और उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिमिनिश हो जाती है. अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में. प्रीवियसली हमने देखा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इज इम्पॉर्टेंट. सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमने ये बात डिस्कस करनी है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं दे डू नॉट लाई फ्लैट, दे कॉइल अपॉन देमसेल्व्स. इसकी एक कॉमन एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ अल्फा हेलिक्स, जिसके अंदर स्पाइरल फॉर्मेशन होती है. अल्फा हेलिक्स में बहुत ही ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है स्पाइरल फॉर्मेशन के साथ. इसके अंदर 10 टर्न्स होते हैं जिसमें 36 अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो हर एक टर्न में तकरीबन 3.6 अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं. इसके अलावा एक और एग्जांपल है सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, फॉर्मेशन ऑफ बीटा प्लीटेड शीट्स, जिसके अंदर द पॉलीपेप्टाइड चेन बेंड्स एंड फोल्ड्स बैक अपॉन देमसेल्व्स टू गिव द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा प्लीटेड शीट्स. नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर के बारे में. द पॉलीपेप्टाइड चेन बेंड्स एंड फोल्ड्स अपॉन इटसेल्फ फॉर्मिंग अ ग्लोबुलर शेप. इसके अंदर 3 तरह के बॉन्डिंग मौजूद है, आयनिक, हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर. ये सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स के अंदर ये वाला स्ट्रक्चर मौजूद होता है. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर. तमाम हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स में टर्शरी चेन्स आर एग्रीगेटेड, इकट्ठी हो जाती हैं एंड दे आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन, हाइड्रोजन एंड आयनिक बॉन्ड्स टू गिव इट अ क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर. हीमोग्लोबिन की एग्जांपल लेते हैं. क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर की एग्जांपल है हीमोग्लोबिन. अब चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स की तरफ. प्रोटीन्स को 2 मेजर ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं, फाइब्रस प्रोटीन्स एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स. पहले फाइब्रस प्रोटीन्स को डिस्कस करते हैं. फाइब्रस प्रोटीन को उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे फाइब्रस का नाम दिया गया है. दे कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन द फॉर्म ऑफ फाइब्रिल्स. इसकी एग्जांपल्स हैं सिल्क फाइबर जो कि हमें सिल्कवर्म या स्पाइडर वेब से मिलता है. अनदर एग्जांपल इज मायोसिन जो कि मसल सेल्स में मौजूद है. इसके अलावा हमारे नेल एंड हेयर में जो प्रोटीन पाई जाती है उसको हम केराटिन का नाम देते हैं. नेक्स्ट इज ग्लोबुलर प्रोटीन. ग्लोबुलर प्रोटीन को भी उनकी शेप की वजह से ग्लोबुलर में क्लासिफाई किया गया. दे आर स्फेरिकल और इलिप्सोइडल ड्यू टू मल्टीपल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स. ग्लोबुलर प्रोटीन में टर्शरी स्ट्रक्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. दे आर सॉल्युबल इन एक्वस मीडिया सच एज सॉल्ट सोल्यूशन, एसिड और बेसिस के सोल्यूशन में, और एक्वस और एल्कोहल सोल्यूशन में भी ये सॉल्युबल हैं. दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड. ग्लोबुलर प्रोटीन्स बहुत सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स द चेंजेस इन द फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड दे कैन बी ईजिली डिसऑर्गेनाइज्ड. इसकी एग्जाम्पल्स हैं एंजाइम्स, एंटीबॉडीज, हॉर्मोन्स एंड हीमोग्लोबिन. यहाँ पर टेबल के फॉर्म में आपके सामने फाइब्रस एंड ग्लोबुलर के डिफरेंसेस दिखाए गए हैं. सबसे पहले फाइब्रस को देखते हैं. फाइब्रस में वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स
कैन बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फिब्रिल्स, जबकि ग्लोबुलर में स्फेरिकल और एलिप्सोइडल शेप होती है ड्यू टू मल्टीपल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। फाइब्रस प्रोटीन्स में सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जबकि ग्लोबुलर में टर्शरी स्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फाइब्रस प्रोटीन्स आर इनसॉल्युबल इन एक्वस मीडिया, वेयर एज ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर सॉल्युबल इन एक्वस मीडिया। फाइब्रस प्रोटीन्स कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज्ड एंड आर इलास्टिक इन नेचर, वेयर एज ग्लोबुलर प्रोटीन्स कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। फाइब्रस प्रोटीन्स क्या करते हैं? स्ट्रक्चरल रोल होता है इनका सेल्स में। इनकी एग्जाम्पल्स हैं सिल्क फाइबर, मायोसिन, फिब्रिन एंड कैरेटिन, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन्स की एग्जाम्पल्स हैं एंजाइम्स, एंटीबॉडीज एंड हॉर्मोन्स। थैंक यू। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं, एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पर जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रिकमेंड कीजिए।